तुम कहाँ हाथ डाल रहे हो यार? सॉल्ट से वो चली जाएगी, और सॉल्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि जो नमक ये फिश उस अधिकतर हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज वीकेंड है, वीकडे में तो टाइम नहीं मिलता है वो चीज़ करने का, आज वीकेंड है। वीकडे में सोचा है कि आज ये अपना फिश टैंक जो है इसको क्लीन कर लें। बहुत गंदा हो गया है, एक बार मैं लाइट जला के आपको दिखाता हूँ। करीब 2 महीना हो गया है ये फुल, हाँ वो गंदा हो गया। विवान ने भी नोटिस किया है और उसने बताया था कि रेडी ये बहुत गंदा हो गया, इसको क्लीन करना है। करीब 2 महीने हो गया मैंने फुल टैंक क्लीन नहीं किया। मैं नॉर्मली कभी कभी भी आधा 30-50-40% पानी चेंज कर देता हूँ और 1.5-2 महीने में फुल टैंक क्लीन कर देता हूँ, तो देखने में भी अच्छा रहता है। नहीं तो ये देखिए, इस पर हल्का हल्का सा ये क्या बोल सकते हैं, इसको डस्ट आ जाती है, और साइड में भी देखो आप, इस पर भी डस्ट आ जाता है। यहाँ पे देखो, इस पर भी ऊपर ये पानी भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। उसको पानी तो रिफिल कर सकते हैं, बट ये जो इसके पेबल्स पे जो गंदगी लगी है, ये पूरा मैं निकाल के, फिश को निकाल के, फिल्टर निकाल के, सारा लाइट और सब निकाल के, मैं एक बार इसको पूरा फ्रेम को, पूरा एक्वेरियम को क्लीन करता हूँ, उसका सिर्फ पानी रिफिल करता हूँ। तो चलिए फटाफट मैं ये काम कर लेता हूँ। इसमें, इस पूरे प्रोसेस में 1 घंटा लगता है, क्योंकि पहले फिश को निकालना है, पूरा पानी निकालना है, सारा सामान निकालना है, ये फिल्टर निकालना है, फिल्टर को क्लीन करना है, वो निकाल के क्लीन करना है, उसके बाद फिर रिफिल करना है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि मैं अपना ये जो फिश टैंक है, एक्वेरियम है, इसको कैसे क्लीन करता हूँ, कैसे फिश को निकालता हूँ और कैसे क्लीन करता हूँ, और पानी रिफिल करने के बाद क्या इसेंशियल चीज़ है जो मैं इसमें डालता हूँ। कुछ 1-2 लिक्विड है मैं उसमें डालता हूँ, और क्यों डालता हूँ मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ, और एंड में दिखाता हूँ कि पूरा क्लीनिंग होने के बाद ये कैसा दिखता है। मतलब अलग ही लगने लगता है, लगता है न्यू फिश टैंक आ गया, मछलियाँ बिल्कुल और कलरफुल दिखने लगती है। तो चलिए ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका जो अंदर के सारे सामान है, सबसे पहले मैं उसको निकालूंगा, पहले ये उसका लिड निकालता हूँ। उसके बाद अंदर के ये जो सारे सामान है वो मैं निकालता हूँ। यहाँ से पहले प्लग निकाल देता हूँ सारे, और फिल्टर और ये इसका जो सबमर्सिबल लाइट है उसको निकालता हूँ मैं, क्योंकि इसको भी क्लीन करना है, फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, इसको क्लीन करता हूँ। भाई लोग फिश चाहिए, ये वाली नहीं मिलेगी। तो ये निकाल दिया है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अभी अंदर के जो प्लांट्स हैं इसको भी क्लीन कर लेता हूँ, सब ये हटाने के बाद ही मैं उन फिश को निकालूंगा। तो ये जो, ताकि अच्छा स्पेस मिल जाएगा, तो नहीं तो फिश इसके पीछे छुपने लगती हैं, तो प्रॉब्लम होती है उनको निकालने में। तो इसको मैं भी यहाँ साइड में रख दूंगा, इसको भी क्लीन करूँगा, साफ करूँगा। अब ये बकेट में लाया हूँ, इसमें इसी में से 2-3 मग पानी, निकाल के अब फिश को इसी में निकाल लूँगा। तो जब तक तो पूरा फिश क्लीन, टैंक क्लीन नहीं हो जाता है, ये लोग रहने लायक नहीं हो जाते हैं, तब तक तो ये इसी में रहेंगे थोड़ी देर। इसलिए जिस पानी में ये अभी तक हैबिचुअल है, जिसमें है उसी में रखते हैं। इसमें से कुछ थोड़ा पानी निकाल लूँगा मैं, इतना वाटर इनफ है, इतना इनफ है 20-25 मिनट उन लोग के रहने के लिए। अब मैं इससे अपने फिश को निकालता हूँ। फिश निकाल के इस पानी में डाल लिया। चंचल, तुमको पकड़ लिया फिश तुमको क्या? पकड़ क्या? फिश तुमको पकड़ लिया, वो जाए इसमें डाल दिया। बहुत सारे डाल दिया। बहुत सारे फिश डाल दिया। यस। अभी मुझे देखो। अभी मैं इसको, इस बकेट को, इस थाली से ढक देता हूँ, सिर्फ इस माइलो के चक्कर में कि माइलो इसमें हाथ ना मारे, घुस जाएंगे पानी पीने के चक्कर में, ये एक आध फिश गायब कर देंगे। इसको मैं अभी इससे ढक देता हूँ। यस, ढक दिया। थोड़ी देर इसको साइड में रखते हैं। अब इसका सारा पानी में निकालता हूँ, तो मेरे पास इसका है, इससे पाइप है, उससे मैं इसका पानी निकालता हूँ।
अभी ये सही है, मैंने यहाँ से लगा दिया, पंप कर दिया है। पंप करके बकेट में जो है मैं पानी को निकालूंगा, तो आई थिंक इतना पानी, इतने पानी तक इजीली ये निकल जाता है इस पंप से। बाकी उसके बाद प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसके बाद फिर मैं ये सारे पेबल्स निकालूंगा, उसके बाद ये पूरा उठा के मैं लेके जाऊंगा किचन में, उसका पूरा अच्छे से क्लीन करूंगा। दिखाता हूँ आपको कैसे क्लीन करता हूँ। तो पहले ये जितना पानी निकल पाए इस बकेट में मैं निकाल लेता हूँ, इसको फेंक देता हूँ। तो अभी ये एक लेवल तक पानी निकल गया है, अब इसके जितने भी पैबल्स हैं मैं उसको निकाल लेता हूँ, इस बकेट में निकाल लेता हूँ। इसी बकेट में दो तीन बार वॉश करके धुल लूँगा अच्छे से, तो मैं सारे इसमें निकालता हूँ। ये हो गया, पूरे पैबल्स इसमें आ गए हैं, इसको अब वॉशरूम में जाके इसको क्लीन कर लेते हैं। ये क्लीन हो गया मेरे पेबल्स, दो बार मैंने धुल दिया, क्लीन कर दिया है। अब चलते हैं सबसे बड़ा काम, टैंकर को क्लीन करने चलते हैं। तो ये पानी सारा निकाल दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कितना गंदा है, कितना गंदा है। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा पानी निकल गया है इसका, और ये देखिए कितना गंदा है, बहुत गंदा हो गया है। इधर भी पूरा गंदा है, हर तरफ गंदा हो गया है। पानी पूरा निकल गया है, पेबल्स भी निकल गए हैं। अब जस्ट इसको उठा के मैं अपने सिंक पे ले जाऊंगा और इसको दो तीन राउंड अच्छे से साफ करूंगा, रगड़ रगड़ के इसको पूरा ऐसा कर दूंगा कि ट्रांसपेरेंट, मतलब पीछे की चीज इजिली बहुत आराम से दिखे। बेटा उस पर नहीं, अगर उस पर टूट जाएगा तुम लोग यार शैतानी कहाँ कहाँ से ढूंढ लेते हो, ये तो है ही नहीं शैतानी, कहाँ ढूंढ लिया, हटो हटो, टूट जाएगा वो, तोड़ना है। ठीक है तोड़ो, तुम तोड़ो, हो जाएगा आराम से। चलो यहाँ पे क्लीन करते हैं। अभी ये दूसरा राउंड धुल रहे थे, तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, हल्का सा बहुत हल्का सा सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डाल के एक बार इसी वाटर से धुलेंगे, उसके बाद उसको निकालने के बाद फिर एक और राउंड विदाउट सॉल्ट से नॉर्मल वाटर से साफ कर देंगे। तो सॉल्ट वाटर से एक्चुअली इसमें हल्की हल्की सी फिश वाली स्मेल आ रही है, वो रहनी चाहिए बहुत, लेकिन गंदी स्मेल भी आ रही है उनकी पॉटी की जो भी है, वो सॉल्ट से वो चली जाएगी। और सॉल्ट इसलिए डालते हैं क्योंकि जो नमक ये फिश अधिकतर समुद्र में होते हैं, तो खारा ही पानी होता है, तो उसमें वो अच्छे से रहते हैं, उनकी हेल्थ सही रहती है, ग्रोथ अच्छी होती है। तो हल्का सा हम सॉल्ट वाटर से भी करेंगे, तो सॉल्ट वाटर थोड़ा तो ठीक, तो सॉल्ट वाटर भी डाल दिया है और उसी वाटर से सॉरी सॉल्ट डाल दिया है, आप उससे थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं अच्छे से। चलिए अभी फिल्टर को क्लीन कर लेते हैं, ऑक्सीजन पंप या फिल्टर कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। इसे ये यहाँ से सिंपली ये निकालना है पहले मुझे, ये दो अलग हो गया, साइड में रखूँगा। अब यहाँ से इसके अंदर फोम होता है, उसको मुझे निकालना है, ये फोम निकालूंगा। ये देखो काफ़ी गंदा हो जाता है, बीच बीच में 20-25 दिन पे एक बार धुल भी लेता हूँ, फिर लगा देता हूँ, तो इसको मैं क्लीन करता हूँ। इसको बस रनिंग वाटर में, रनिंग टैप में क्लीन करना है ऐसे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा क्लीन करना है, अभी भी गंदा है, सही से ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रह गया, वो भी क्लीन कर लेते हैं। ये हो गया, पूरा क्लीन हो गया, ये देखिए पूरा साफ हो गया, मेरा फोन साफ हो गया। अब मैं इसके जो ये है बॉक्स, इसको भी क्लीन कर देता हूँ। इसको पैक कर देता हूँ, सही से लगाया इसको, बॉक्स बंद किया, और ये जो ऊपर वाला पार्ट था इसको भी एक बार धो देता हूँ, क्योंकि यहीं से वाटर वो निकलता है, तो ये ब्लॉक ना हो, इसलिए मैं इसको भी सही से धुल देता हूँ।
ये हो गया, इसको लगा देता हूँ, क्लीन रेडी हो गया। अब मैं अपना समरसेबल लाइट को धुलता हूँ। लाइट है, काफ़ी गंदगी आ गई है, मछलियों की गंदगी काफ़ी इसमें आ जाती है, तो इसको एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ। ये भी क्लीन हो गया बिल्कुल, इसको मैं भी साइड में रख देता हूँ। देखिए टैंक पूरा क्लीन हो गया, माइल ऑटो जरा फटो। हाँ ये टैंक देखिए पूरा क्लीन हो गया, कितना ट्रांसपेरेंट हो गया, जो गंदगी थी इसको सब हटा दिया, दो तीन राउंड धुल दिया, सॉल्ट से भी धुल दिया, अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहला स्टेप मैं करूँगा इसमें अपने पेबल्स डालूंगा। सबसे पहले नीचे पेबल्स डालूंगा, उसके बाद मैं इसको वाटर से रिफिल करूंगा। तो चलिए पहले पेबल्स डाल देते हैं जो हम लोगों ने धुले थे। पेबल्स हो गए हैं, अब चलिए इसमें वाटर रिफिल कर लेते हैं पूरा, उसको कम से कम यहाँ तक रिफिल कर लेता हूँ। उसके बाद फिर अपने जो लिक्विड्स हैं और जो प्लांट्स हैं, जो भी डेकोरेशन है थोड़ा बहुत, वो डाल के फिर फिश को डालते हैं। चलिए अभी वाटर भी मैंने रिफिल कर दिया, उसमें जो भी ये डेकोरेशन के आइटम्स थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। अब चला मैं ये दो चीज़ लगाने, ये मेरा समरसेबल लाइट लगा देता हूँ और ये अपना फिल्टर लगा देता हूँ। उसके बाद मैं उसमें दो लिक्विड डालता हूँ, एक क्लोरीन कटर, क्योंकि हमारे यहाँ जो वाटर आता है वो टंकी से आता है, डायरेक्ट कॉर्पोरेशन से आता है, उसमें थोड़ा थोड़ा क्लोरीन रहता है जो फिश के लिए अच्छा नहीं होता, तो हमारे पास क्लोरीन कटर टाइप का लिक्विड होता है जो हम अपने एक्वेरियम के साइज़ के हिसाब से, वाटर के हिसाब से हम उसको डालते हैं। प्लस मेरे पास एक और क्लीनिंग के लिए है कि वो टाइम बाय टाइम जो भी इसमें जर्म्स आएंगे, इंसेक्ट्स, जो भी गंदगी आएंगी, जर्म्स आएंगे, उसको क्लीन करता रहेगा। दो चीज़ मैं डालता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये लगा देता हूँ, उसके बाद डालता हूँ ताकि फिल्टर से पंप से वो पूरा वाटर में फैल जाए, उसके बाद फिर मैं अपने फिश को डालूंगा। चलिए डालता हूँ। हो गया है, पंप इज वर्किंग, लाइट भी मेरा सही है। अभी हल्का सा धुंध दिख रहा है, बट एक बार मैं उसमें अपना एंटी क्लोरीन डालूंगा लिक्विड, और अपना वो जो जर्म्स इंसेक्ट्स को मारता है क्लीनिंग के लिए वो मैं डालता हूँ, उसका बहुत अच्छा ये दिखेगा। तो अभी ये पानी के भी कुछ कुछ कण हैं जो ऊपर रह जा रहे हैं, कुछ देर बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे और अच्छा कलर इसका दिखेगा। चलिए मैं वो लिक्विड डालता हूँ। ये देखिए एक ये मेरे पास है, मैंने बड़ा ले लिया था क्योंकि यूज़ होता है फ्रीक्वेंटली। ये लिखा है रिमूव क्लोरीन फ्रॉम फ्रेश वाटर। तो ये क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा एक्वेरियम है, इसमें मैं समवेयर अराउंड दो ढक्कन के करीब डालता हूँ इस ढक्कन से, क्योंकि मेरा अंदाजा है आप ये आई थिंक गैलन्स के हिसाब से होता है, वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितने गैलन पे कितना, बट उसने मुझे इस एक्वेरियम के हिसाब से बताया था, तो मैं इस एक्वेरियम में इतना अपना दो ढक्कन ये डाल देता हूँ, तो ये इनफ है। और ये दूसरा मेरे पास एक्वेरिया क्लीन, तो ये क्लीनिंग के लिए रहता है, कुछ भी गंदगी होती है, जैसे ये गंदगी आ जाती है, जर्क्स आ जाते हैं, तो उसको क्लीन के लिए, क्लीनिंग के लिए होता है। तो इसको भी मैं समवेयर अराउंड एक ढक्कन या आधा ढक्कन डालता हूँ, थोड़ा ही डालता हूँ, तो ब्लू कलर का होता है, मैं देखिए कलर कैसे हो जाएगा। बस इनफ, हाफ ढक्कन इनफ है, ये वाटर के कलर को और अच्छा कर देता है। ये देखिए पूरा ब्लूइश हो गया, इसको थोड़ी देर मैं इसको मिक्स होने देता हूँ, करीब दो चार मिनट, उसके बाद फिर मैं अपनी फिश को इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ। इसको हो गया दो चार मिनट, ये पूरा मिक्स हो गया होगा, अब मैं चलता हूँ इसमें अपने फिश को ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। काफ़ी देर से ये इसमें है, करीब आधे घंटे से तो कम से कम होंगी। ये देखिए सब परेशान है, चटपटा रही है, जैसे ऊपर से खुल रहा है, तो इसमें ही थोड़ा सा गंदा पानी है, मैं वो अगर थोड़ा भी क्लीन होता तो मैं उसको साथ में डाल देता इसमें, बट क्लीन नहीं है तो मैं सीधे इनको यहाँ से उठाऊँगा और सीधे इसमें डिपोर्ट कर दूंगा। चलो बच्चों, चलो 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 चलो, कितने लोग बचे? दो लोग। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बड़े घर में चलना है, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चलो परेशान नहीं, चलो एंजॉय, डरो नहीं, घबराओ नहीं। तो इनको मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, थोड़ी देर ये इसमें एडजस्ट होंगे क्योंकि काफ़ी देर इसमें रहे तो डर गए हैं, तो ये थोड़ी देर इसमें रहेंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, करीब 5-10 मिनट रहेंगे, उसके बाद फिर मैं इनका खाना डाल देता हूँ, तो पेट भरेगा तो अच्छा लगेगा। ये क्लीन हो गया, बाकी ये नीचे काफ़ी गंदगी हो गई है, उसको अभी मैं अपने इस एरिया को क्लीन कर लेता हूँ, और जो चीज़ जहाँ थी वहाँ रख देता हूँ, इसको बाल्टी को जहाँ थी वहाँ रख देता हूँ, और ये जो मेरा थाली है उसको भी रख देता हूँ वॉश मशीन में धुलने के लिए। तो चलिए फटाफट मैं ये जगह को क्लीन कर लेता हूँ।
पर भी चैलेंज है, उसके बाद ताले। फिश का घर साफ हो गया, इनका भी घर कभी कभी साफ हो जाना चाहिए। अच्छे से ये लोग रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी नीचे ही हैं लेकिन थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे। और करीब मुझे 3 साल हो गए ये एक्वेरियम रखे। मैं ऐसे ही क्लीन करता हूँ, सबका अलग अलग तरीका होगा। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा गलत है ऐसा सही है, बट 3 साल हो गए मुझे। और 3 साल में करीब नहीं बोलोगे तो आप 30 बार तो मैंने ये फिश टैंक को अपने ऐसे ही क्लीन किया है। और आज तक मेरी मछलियों को कुछ नहीं हुआ है। मैं यही टैप वाटर ही यूज़ करता हूँ, एंटीक्लोरिन यूज़ करता हूँ, और वो जो मैंने लिक्विड दिखाया था वाटर को क्लीन करने के लिए वो मैं यूज़ करता हूँ। मेरे पास गोल्ड फिश ही रहती है, शार्क भी थी कभी मेरी फिश। मेरे वाटर चेंज करने से, वो लिक्विड डालने से कभी किसी की डेथ नहीं हुई है। तो 3 साल से मैं ऐसे कर रहा हूँ। सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सब अलग अलग तरीके से क्लीन करते हैं, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ और मेरा सक्सेस जा रहा है। अगर आपको भी ये तरीका अच्छा लगा तो ऐसे ही आप भी क्लीन कर सकते हो, नहीं तो जो आप फॉलो कर रहे हो अपने आप पुराने तरीके से वैसे भी आप क्लीन कर सकते हो। बेसिकली इसको क्लीन रखना है, साफ रखना है, ताकि फिश भी अच्छे से रहे। और हम ये क्योंकि ये डेकोरेशन पर्पज़ के लिए भी होता है और हमारे घर में ये अच्छा लगे। चलिए मैं भी चलता हूँ, मैं भी काफ़ी अब गीला हो गया, गंदा हो गया हूँ। मैं भी चलता हूँ, नहा लेता हूँ। मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आप भी, विवान भी गंदे हो गए, तो मैं और विवान साथ में नहाएंगे। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो। 100% बोल सकता हूँ आप कुछ वीडियो को मेरे काफ़ी इन्जॉय करोगे। कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी हैं, मेरे ट्रैवल का भी है, तो आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आपके पास भी अगर फिश है, कौन सी फिश है, कैसा एक्वेरियम है, क्या है, आप भी कुछ मुझे आइडिया दे सकते हो। बिल्कुल मैं उस आइडिया को एक्सेप्ट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।